नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जहां पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे IPL इतिहास की चार सबसे तेज गेंदों के बारे में, जिसमें दो खिलाड़ी जिसका नाम इस लिस्ट में है वो IPL 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से खेलने वाले हैं। तो RCB फैंस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो दोस्तों IPL के अब तक के 12 साल के इतिहास में कई फास्ट बॉलर आए और कई फास्ट बॉलर गए, जहां पर कुछ का कैरियर ग्राफ IPL से ऊपर चढ़ा तो वहीं कुछ का नीचे भी गिरा, यानी कि उतार चढ़ाव दोनों ही चीज़ें IPL ने खिलाड़ियों को दिखाई हैं। और ऐसे में इस तरह के चार खिलाड़ी जिन्होंने IPL इतिहास में चार सबसे तेज गेंदें डाली हैं, और आपको बता दें कि ये सबसे फास्ट डिलीवरी डालने वाला गेंदबाज जो है वो इस साल RCB की तरफ से खेल रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें, और वीडियो का लाइक टारगेट जो है वो आज हमने रखा है 1000 लाइक्स का। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि नंबर 4 पर इस लिस्ट में नाम आता है भारतीय टीम और RCB के उभरते हुए सितारे नवदीप सैनी का, जिन्होंने बहुत ही कम समय में काफ़ी नाम कमाया है। और दोस्तों ये एकमात्र पेसर हैं जो कि भारतीय हैं और इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हो पाए हैं, जहां पर IPL 2019 के सीज़न में इन्होंने 152.85 की रफ्तार से एक गेंद डाली थी, और यानी कि करीब 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद उन्होंने डाली, और IPL 2019 के दूसरे सबसे फास्टेस्ट बॉल डालने वाले गेंदबाज बने। और RCB के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया, और निश्चित तौर पर इस साल ये और भी ज़्यादा निखर कर निकलेंगे। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर इस लिस्ट में नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज और कोलकाता नाइट राइडर्स के 2020 के सितारे पैट कमिंस का। दोस्तों पैट कमिंस को KKR ने इस साल 15.5 करोड़ की अमाउंट देकर खरीदा, और पैट कमिंस इस लिस्ट में नंबर 3 पर है, जहां पर इन्होंने साल 2017 के IPL सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए ये कारनामा किया और 153.56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गेंद डाली, और अपना नाम जो है वो सबसे तेज गेंद डालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल किया। और आपको बता दें कि कमिंस ऑस्ट्रेलिया के भी मेन स्ट्राइक बॉलर है, जहां पर टेस्ट मैच में तो इनकी गेंदबाजी और भी घातक हो जाती है, और इन्होंने अपना जो कैरियर है वो उसकी शुरुआत 18 साल की उम्र में टेस्ट मैच से ही की थी। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर नाम आता है साउथ अफ्रीका की यंग सेंसेशन कगिसो रबाडा का, जहां पर दोस्तों रबाडा ने पिछले साल 2019 में 154.23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद डालकर अपना नाम इस लिस्ट में नंबर 2 पर किया। इससे पहले भी इन्होंने 2017 में 153.92 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी, और इसी के साथ ये नंबर 2 पर ही हैं, लेकिन इन्होंने अपना ये रिकॉर्ड जो है वो पिछले साल तोड़ दिया है और दूसरे सबसे तेज गेंद डालने वाले गेंदबाज जो है वो बन गए हैं, जहां पर दोस्तों रबाडा इस साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे, और ये दिल्ली कैपिटल्स के मेन स्ट्राइक बॉलर है। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, जहां पर पिछली बार इनकी टीम ने 6 साल के बाद प्लेऑफ्स में जगह बनाई थी। तो देखना दिलचस्प होगा कि अय्यर के युवा क्या कमाल दिखा पाते हैं, और इस बार तो इनकी टीम में रहाणे अश्विन जैसे खिलाड़ी भी शामिल हो गए हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम बिल्कुल पक्की कंटेंडर है IPL 2020 की जीत की। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 की, तो नंबर 1 पर भी नाम आता है साउथ अफ्रीका के ही तेज तर्रार और खूंखार गेंदबाज डेल स्टेन का। दोस्तों हम इनको स्विंग का किंग बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले साल इन्होंने 2 मैचों में शुरुआती ओवर्स में अपनी स्विंग में ही फंसा करके बल्लेबाजों को आउट किया था और RCB को अंत तक प्लेऑफ की रेस में बनाए रखा था। जहां पर बात करें IPL इतिहास की सबसे तेज गेंद की, तो इन्होंने साल 2012 में डेक्कन चार्जर्स की तरफ से खेलते हुए 154.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद डाली, और ये जो है वो IPL इतिहास की सबसे तेज गेंद थी। और उस समय स्टेन जो है वो काफ़ी बढ़िया लय में नजर आते थे, तो उनकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि वो उस समय काफ़ी जवान थे। हालांकि दोस्तों शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता, तो ये पिछले साल स्टेन ने यहाँ पर साबित भी कर दिया, जहाँ पर उन्होंने 2 ही मैचों में 4 विकेट झटक लिए, और उन्होंने बता दिया कि आज भी उनका सिक्का जो क्रिकेट के मैदान पर चलता है। हालांकि दोस्तों पिछले साल वो 2 ही मैच खेल पाए थे उस सीज़न में, लेकिन इस साल वो फिट है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके यहाँ पर आए हैं, और उम्मीद है कि स्टेन जो है वो इस बार पूरे 14 मैच RCB को दे पाएँ।
तो दोस्तों ये थी वो चार गेंदबाजों की लिस्ट जो कि आईपीएल हिस्ट्री के सबसे तेज गेंद डालने वाले हैं, और इसमें से दोस्तों दो गेंदबाज जो है वो इस साल आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेल रहे हैं, तो आरसीबी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है ये। और इस साल आरसीबी के जीतने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका अच्छा उनका जो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो कि अब जिसमें वो कमज़ोर हो, तो यहाँ पर सारी चीज़ों पर उन्होंने लगाम लगा ली है। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी ये सीज़न, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीएनए न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। धन्यवाद।